अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से ही तालिबान की तानाशाही साफ नजर आने लगी है। एक दिन पहले तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादा किया था कि महिला अधिकारियों की हिफाजत की जाएगी, लेकिन एक हफ्ता पहले ही अफगान के सरकारी चैनल को ज्वाइन करने वाली महिला एंकर खदीजा अमीन को वहां के अधिकारियों ने निकाल दिया है। चैनल के अधिकारियों ने खदीजा से कहा कि सरकारी चैनल पर महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। उधर बल्क की महिला गवर्नर सलीमा को भी बंधक बना लिया गया है। अफगानिस्तान के बल्क प्रांत में जब तालिबान ने कब्जे की लड़ाई शुरू की थी, तब चारकेंद की गवर्नर सलीमा मजारी ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। जिस वक्त अफगानिस्तान की लीडरशिप देश छोड़ रही थी, उस वक्त सलीमा अपने जिले चारकेंद में ही मौजूद रहीं। अपने आवाम की हिफाजत के लिए तब तक लड़ती रहीं जब तक वहां पूरी तरह से तालिबानी कब्जा नहीं हो गया। सभी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।